बहुत गर्मी है, एसी चला दो। आपका भी यही हाल हो रहा है हमारी तरह गर्मी में। लेकिन बस इतना ही नहीं है, अभी आगे और 9 दिन है जहां पर भीषण गर्मी आपको फेस करनी पड़ेगी। इस बार ऐसा है ना कि गर्मी ने जैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अभी तक आपको ऐसा ही लग रहा है ना, लेकिन आगे के 9 दिन इससे भी ज़्यादा गर्मी रहने वाली है। क्योंकि आज से यानी कि 25 मई से नव तपा शुरू हो गया है, जिसे लोग नव तपा भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि गर्मी के महीने के ऐसे वो 9 दिन जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। कल ही ये अलर्ट आया है कि अगले 9 दिन यानी कि 25 मई से 3 जून तक जो ये 9 दिन रहने वाले हैं, इसमें इस साल की सबसे ज़्यादा गर्मी यानी कि ये 9 दिन सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाले हैं। अभी तक हमने ये देखा भी और महसूस भी किया कि इस बार की जो गर्मी है वो जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस से भी अबव चला गया है। लेकिन इस जो 9 दिन ये रहने वाले हैं, इसमें टेम्परेचर आप मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकते हैं। यानी कि इतनी गर्मी जो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए बहुत खतरनाक होने वाली है, जो इंसानों के लिए और जानवरों के लिए असहनीय होने वाली है। रुड़की का अगले 9 दिन क्या टेम्परेचर रहने वाला है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या रुड़की का अगले 9 दिन टेम्परेचर रहने वाला है। आप देखेंगे तो 43-44 डिग्री सेल्सियस भी रुड़की का टेम्परेचर जाने वाला है। तो ऐसे में इस गर्मी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, लिक्विड चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, ठंडा पानी पिए, नारियल पानी पिए, जूस पिए, बेल का शरबत पिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपके शरीर को ठंडा रख सकें, ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक करें। फुल स्लीव्स के आप कपड़े पहने, फुल कपड़े पहने, आप कोशिश करें कि ज़्यादा धूप के कांटेक्ट में आप ना आए। फुल स्लीव्स के आपके पास कपड़े हो, आपका सर ढका हो कपड़े से, फेस ढका हो, चश्मा पहने के डायरेक्ट धूप के कांटेक्ट में आप ना आए। और बाहर गर्मी में धूप में जाना अवॉइड करें। आप देखते हैं कि 9-10 बजे से ही ऐसा टेम्परेचर पहुंच जाता है कि बाहर निकला नहीं जाता है, उबलता सब महसूस होता है। तो कोशिश करें सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक आप बाहर धूप में जाना अवॉइड करें। अगर आपको जाना पड़ रहा है किसी अर्जेंट काम से, तो आप जैसा कि बताया ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिए, ठंडा पानी पिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें और फुल कपड़े पहनकर आप जाएं और धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आएं। स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्म रहने वाली है ये गर्मी, तो आप सनस्क्रीन का यूज़ करें अपने फेस पे, अपने बॉडी पे, जिससे डायरेक्ट सन का कांटेक्ट आपके स्किन से ना हो। तो ये जो 9 दिन रहने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से क्रिटिकल रहने वाले हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कोई गर्मी की वजह से ऐसा केस आए, क्योंकि हम देखते हैं गर्मी से किसी को चक्कर आ जाते हैं, कोई बेहोश हो जाता है, सांस फूलने लग जाती है, ऐसी बहुत सी चीज़ें गर्मी की वजह से होती हैं, तो हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट कर दिया गया है और आपको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को आपको अलर्ट करने की ज़रूरत है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके पास और आपके करीबियों के पास ये इन्फॉर्मेशन जा सके। तो इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।